हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक नया सा वीडियो टॉपिक लेके। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी का 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दूंगा, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। उसके लिए सिर्फ आप लोगों को मुझे फॉलो करना है और मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैक्सिमम 5 या 6 वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो को आपको सिर्फ देखना है, स्टेप को फॉलो करना है और अपने चैनल पे अप्लाई करना है, ठीक है, तो ही दोस्तों आपका 1000 सब्सक्राइबर 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी कि एपिसोड नंबर 2 देखेंगे। और एपिसोड नंबर 1 मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया है, जो लोग अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो, वो बहुत मस्त वीडियो है दोस्तों। और आप लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स यूट्यूबर है, उन सभी के लिए वो वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सो वो वीडियो आप जरूर देखना, बहुत सारे कमेंट्स भी आया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से यूट्यूब में एक वीडियो को अपलोड किया जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी हमारे बिगिनर्स यूट्यूबर होते हैं वो सभी ये गलती करते हैं कि सिर्फ वीडियो को शूट करके अपलोड कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा लाखों व्यूज आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। एक वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो कि आज की वीडियो को आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ज्यादा टाइम वेस्ट करने बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना, तो ही आप समझ पाओगे, ठीक है। ये मेरा एक वीडियो है। यहाँ पे मैं पहले दिखाता हूँ जो आपका YouTube का टाइटल है, YouTube का वीडियो का जो टाइटल है वो किस तरह से लिखा जाता है। देखिए, जैसे कि मेरा ये वीडियो है कि Facebook ने 2 दिन पहले केयर इमोजी लॉन्च किया है, वो केयर इमोजी कैसे आप अपने फोन में एनेबल कर सकते हो और Facebook ने क्यों लॉन्च किया है। मैंने लिखा है कि Facebook केयर इमोजी, उसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हो एक साइन है, उसके बाद हाउ टू एनेबल फेसबुक इमोजी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद व्हाई फेसबुक लॉन्च केयर इमोजी। तो ये मैंने यू ही नहीं लिख दिया, मेरे मन में आया यू ही नहीं मैं लिख दिया। मैं किस तरह से लिखा हूँ देखिए, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा ये जो सिंपली है फेसबुक केयर इमोजी, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपका वीडियो का टाइटल है फेसबुक केयर इमोजी, तो वो आपको लिखना पड़ेगा अपना, और एक YouTube आपको खोल लेना है और वहां पे आपको सर्च बार में आपको लिखना पड़ेगा फेसबुक केयर इमोजी, जो आपका वीडियो का टाइटल है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ है, अभी मैं कॉपी करके इसे सर्च बार में पेस्ट करता हूँ। देखिए फेसबुक केयर इमोजी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, फेसबुक केयर इमोजी, फेसबुक केयर इमोजी हिंदी तमिल कैसे करे, बहुत सारा आ रहा है। सिर्फ आपको लिखना है फेसबुक केयर इमोजी और उसके बाद सर्च करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करते हो तो जो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा और जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज होगा वो पहले ही होगा। तो यहाँ पे देखिए केयर इमोजी इन फेसबुक, हाउ टू एनेबल फेसबुक केयर इमोजी, फेसबुक न्यू इमोजी, फेसबुक न्यू रिएक्ट, तो ये एक वीक में 7.4K व्यू हुआ है। इस तरह से आपको पहले चेक कर लेना है कि कौन सा वीडियो ज्यादा व्यू हुआ है, और जो ज्यादा व्यू हुआ है उसका टाइटल को कॉपी करके अपने वीडियोस पे डालना है, ठीक है। तो कॉपी का मतलब ये नहीं कि आप इसका सिंपली इस तरह से कॉपी कर दे कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे, इस तरह से नहीं दोस्तों, आपको ये देख कर एक एक करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप वीडियोस अपलोड करते हो, जैसे कि मैं मेरा एक चैनल खोलता हूँ, जैसे कि ये खोल लिया, अभी यहाँ पे देखिए यह सॉरी iPhone 7 ये मेरा एक टाइटल है। मैं टाइटल को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं ये लिखूंगा फेसबुक केयर इमोजी। इस तरह से मैं हाथों से लिखूंगा एक एक करके फेसबुक केयर इमोजी, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा। लिखने के बाद ये जो टाइटल मैंने लिखा है वही टाइटल मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद यही टाइटल मुझे टैग्स में भी डालना है। टैग्स यहाँ पे होगा टैग्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टैग्स किस तरह से लगाए थे और टैग्स किस तरह से काम करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। टाइटल को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है, उसके बाद टैग्स में भी देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल का काम। अभी हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, किस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो देखोगे। ये मैं शो मोड करता हूँ, तो देखिए जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलते हो तो यहाँ पे आपको 2 हैशटैग देखने को मिलता है, ठीक है, हैज फेसबुक केयर इमोजी हैशटैग टिकटॉक सन, ये मेरा चैनल का नाम है और ये वीडियो रिलेटेड हैशटैग है, तो ये आपको देना पड़ेगा। कैसे दोगे, डिस्क्रिप्शन में सिंपली ये टाइटल हो गया, टाइटल के बाद यहाँ पे एंटर मारना, एंटर के हैशटैग अपना चैनल का नाम दे देना, ठीक है, अपना चैनल का नाम यहाँ पे दे देना है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेस दे देना और वीडियो का
जो टाइटल है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि आपने वीडियो पे लिखा है कि फेसबुक क्या, इमोजी, हाउ टू एनेबल, व्हाई एनेबल, ये बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है फेसबुक केयर, और यहाँ पे इमोजी, ठीक है, फेसबुक फेसबुक केयर इमोजी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका हैशटैग। हैशटैग देने के बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फेसबुक के आर इमोजी, हाउ टू एनेबल, इस तरह से मैंने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप बार बार मेरे व्यूज को देख रहे होंगे कि 36 व्यूज है, ये क्या सिखाएगा। तो दोस्तों मैं भी एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ, और मैं जो एक्सपीरियंस के साथ मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख के ये सीखा है, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। तो देखिए सो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे और भी कुछ लिखना है। सो ये किस तरह से लिखोगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप जब भी फेसबुक की इमोजी लिखकर सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे टाइटल तो मिल ही गया है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको और भी वीडियोस का टाइटल मिलेगा, जैसे कि फेसबुक की इमोजी, हाउ टू गेट एंड अदर डिटेल्स। तो इस वीडियो में आपको चले जाना है और इसको कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ये वाला मैं कॉपी करके यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इस तरह से अगर आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करोगे दोस्तों, कॉपी पेस्ट करोगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पॉपुलर वीडियोस है उसका टाइटल को 4-5 वीडियो का टाइटल आपको देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना है दोस्तों, 4-5 वीडियो का टाइटल आपको कॉपी करके यहाँ पे देना पड़ेगा। ये जो टाइटल को आप कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दोगे, ये दोस्तों आपका वीडियो के लिए मेटा डेटा हिसाब के काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2-4 आपको टाइटल देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वीडियो रिलेटेड आपको कुछ थोड़ा बहुत लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा है नमस्कार दोस्तों, मैंने इस वीडियो में फेसबुक का जो न्यू केयर इमोजी लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताया हूँ। तो इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना चैनल का लिंक एक बार शेयर कर देना है आपको, ठीक है, चैनल का लिंक देना है। और जो प्लेलिस्ट आपका है, प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा व्यूज है वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे ही होगा क्या, ये वीडियो कोई देखेगा तो इस वीडियो के सजेशन में दोस्तों उस प्लेलिस्ट का आपका शो होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यूज देने में। उसके बाद अपने चैनल पे अबाउट सेक्शन पे जो लिखा है वो कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अबाउट कैसे लिखते हैं वो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वीडियो देख लेना, ठीक है, फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, वो बहुत काम का वीडियो है। उसके बाद आपका सोशल मीडिया का सारे लिंक आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी, कैटेगरी हमेशा आपको चूज करना होगा। आप जिस तरह का वीडियो बनाओगे उस तरह का कैटेगरी आपको मिल जाएगा। किस तरह से आप कैटेगरी चूज करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आप वीडियोज अपलोड करोगे तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मोड ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों आपको। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो लाइसेंस है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस हमेशा रखना है अपना चैनल का। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए कैटेगरी, कैटेगरी मिलेगा पीपल एंड ब्लॉग्स, तो इसको आप चूज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप म्यूजिक वाला वीडियो बनाते हो तो म्यूजिक चूज करना, अगर आप स्पोर्ट्स वाला वीडियो बनाते हो, गेमिंग वाला, तो गेमिंग चूज करना है, इस तरह से चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये हो गया कैटेगरी। अब आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है दोस्तों टैग। टैग्स है सबसे इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारे बिगिनर्स यूट्यूबर टैग्स को नहीं देता है, टैग्स क्या है वो जानते नहीं है और टैग्स का यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि टैग्स किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो रिलेटेड जितने वर्ड आप हो सकते हैं, वर्ड या सेंटेंस, सब कुछ यहाँ पे आपको टैग्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ फेसबुक केयर इमोजी, ठीक है, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद लिखता है हाउ टू Enable Facebook Care Emoji, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, बहुत सारे लिखना है, Facebook Care Emoji, Facebook Emoji, Care Emoji, New Launching Facebook Care Emoji, How to Enable Facebook Care Emoji। तो ये सारे के सारे करने के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों विजिबिलिटी। ये जो ऑप्शन है विजिबिलिटी, ये ऑप्शन अगर आप पब्लिक नहीं करोगे तो आपका वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो आप ही देख सकते हो, अगर आप अनलिस्टेड करोगे तो भी कोई नहीं देखेगा, अगर आप पब्लिक करते हो तो ही सिर्फ लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा। सो पब्लिक जरूर करना। उसके साथ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करना किस तरह से प्लेलिस्ट बनाया जाता है और प्लेलिस्ट में किस तरह से वीडियो ऐड होता है।
वो मैं पहले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो जरूर चेक करना। यहाँ पे आता है दोस्तों एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन को जरूर लगाना दोस्तों। ये मेरा छोटा सा वीडियो है इसलिए एंड स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। एंड स्क्रीन का मतलब होता है दोस्तों जैसे ही आप वीडियो को, ये मेरा वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये मेरा जैसे ही वीडियो खत्म होता है तो यहाँ पे दो वीडियो मेरा आ जाता है। एक में मैं मेरा वीडियो जो रिसेंट वीडियो है वो दे चुका हूँ और यहाँ पे मैं मेरा एक प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है, तो इस तरह से। और यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब का एक बटन भी दिया हुआ है, तो इस तरह से आप अपना एंड स्क्रीन जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद दोस्तों कार्ड्स, कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्ड्स का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अगर आप दो चार वीडियो डाल दोगे, पांच कार्ड्स आप लगा सकते हो, पांच कार्ड अगर आप लगा दोगे तो वो वीडियो के, वीडियो चलते ऊपर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। किस तरह से होगा मैं आपको दिखाता हूँ, जो जानते हैं उसके लिए नहीं है, जो जानते नहीं है उसके लिए है, इसीलिए मैं बार बार ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये मेरा कार्ड्स का ऑप्शन है फ्रॉम टिकटॉक सैंस। कार्ड्स ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा पांच वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ये पांच वीडियो दोस्तों अपने चैनल का सजेशन में आता है, ये जो वीडियो है इस वीडियो के सजेशन में आता है, ठीक है। तो कार्ड्स जरूर लगाना, उसके साथ कार्ड्स में कोई अगर क्लिक करेगा तो भी ये वीडियो आपका वो देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एंड स्क्रीन और कार्ड्स, उसके बाद ये सेव करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वीडियो अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा है। अगर पूरा देखा है तो सारे के सारे स्टेप्स अपने चैनल पे जरूर अप्लाई करना। जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो ये सारे के सारे स्टेप्स अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे जरूर अप्लाई करना, क्योंकि ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आगे से ज्यादा व्यूज आपका आएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आपका सब्सक्राइबर भी जल्दी से गेन होगा। सो दोस्तों मैं कल लॉन्च करूंगा एपिसोड 3 वाला वीडियो, उस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो उस वीडियो को जरूर देखना और अपने चैनल पे जरूर फॉलो करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।